जैसे आपने कल ओपनिंग की है, बल्कि परसों ओपनिंग की, वो 2030 तक के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है पूरे कराची का, कि जिसको सामने रख के कोई भी एंटरप्रेन्योर आना चाहे, कोई भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से यहाँ पे कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहे, बसें लेकर आना चाहे, कोई मास ट्रांजिट की स्कीम लेना चाहे, तो उसमें 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो यंगस्टर करना। और फिर अब ये भी सोचें कि नहीं, जो बच्चे हैं उनको भी आगे लाना चाहिए। और इस हवाले से अब बहुत से ऐसे इनिशिएटिव दुनिया भर में हैं कि जहाँ पर जहाँ तक यूथ की कॉन्फ्रेंस वो अपनी जगह हैं, लेकिन अब चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंसेज भी वर्ल्ड ओवर हो रही हैं। और मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशन एजेंसी UNFPA है, वो कराती है यूथ के लिए भी हर साल कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो रही होती है। तो अच्छा, अभी वॉलंटियरिज्म है, तो वॉलंटियरिज्म में सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में यूथ है। स्काउट में देखें तो यूथ का, और उसमें भी मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा उसमें भी इंटरेक्शन करें, और जो वॉलंटियरिज्म है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बरसात भी आपने देखा, तो उसमें ज़रूरत होती है कि कहीं पर वॉलंटियर्स आए और वो अपने इलाके की हद तक कुछ ना कुछ मुआवजा कर दें, सिटी गवर्नमेंट की या वहाँ पे इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनकी। तो ये बहुत अच्छा फोरम है आपका, और इस फोरम पे काम शुरू हुआ, और यकीन फराज साहब और जो उनके साथ साथी हजरात हैं उनको शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा, लेकिन आप देखें कि इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बहुत साथ दिया, और गवर्नमेंट की तरफ से जिस हद तक मुआवजत हो सकती थी सिटी गवर्नमेंट की वो हुई। फिर तो उसके बाद आप देखें तो फारूक सत्तार साहब, हारून साहब और दूसरे सलवारी साहब और दूसरे जो लीडर्स हैं वो आते रहे, और आना भी चाहिए। इसलिए कि ये यूथ को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे और हम इनको हौसला नहीं देंगे और हम इनकी काविशों की कदर नहीं करेंगे, हम रहनुमाई नहीं करेंगे, तो कौन? तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। वी वेलकम योर सर्विसेज। कल मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि जू का हाल बहुत ख़राब है। अब बात ये कि जू में कोई भी हो, कोई खास वक्त होता है रोजाना ड्यूटी पे आ रहे हैं, तो एक ही जैसे जानवर देखते हैं। मेरे आपके लिए नई चीज़ें जब हम जाते हैं एक साल बाद या दो साल बाद के लिए, हम गौर से देख रहे होते हैं। अब वो देख देख के वो पूरे माहौल का हिस्सा बन गए हैं जो वहाँ पे एम्प्लाईज काम कर रहे हैं, और उनको उसके अंदर फिर कोई नई चीज़ करना समझ में नहीं आती है। ये एक माइंड सेट होता है, जब तक उसमें नया इंक्लूजन ना हो किसी भी हवाले से, खबा वो NGO सेक्टर से हो, खबा को मैनेजमेंट कमेटी बने, खबा उसमें नए लोग आए, यंगस्टर्स आए, यूथ आए उसमें, तो वो चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाती। तो मैंने कल सोचा कि नहीं, हमें ना इस पर एक मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए, ऐसी कमेटी जिसको हम इख्तियार भी तब्दील करें, फाइनेंशियल अथॉरिटी भी दें, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी देंगे, पर आदमी सही काम नहीं कर रहा तो इसको हट जाना चाहिए तो हट जाए। और जो ये पैसे हैं डाइट के लिए पैसे होते हैं, आपको पता है जानवर हर चीज़ खाते हैं, उनके लिए गोश्त भी आता है, कुर्ते भी आते हैं, सब्जियाँ भी आती हैं, दालों के अलावा हर चीज़ जो वो हम खाते हैं वो भी आते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा बजट होता है। तो उसकी यूटिलाइजेशन भी उस मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू। तो आप में से कुछ यकीनन ऐसे दोस्त होंगे कि खवातीन हो सकती है, खवातीन को जानवर से बहुत मोहब्बत होती है, वो मैं अपने घर में देखता हूँ कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा है, तो उससे मैं ये होते हैं। तो उसमें आप लोग हैं, और आने के बाद एक कमेटी बना सकते हैं वो तमाम लोग जिनको एनिमल्स के साथ इसी हवाले से आपका एक इंटरेस्ट है कि इसमें हमें काम करना चाहिए, तो वी आर ओपन फॉर देम। तो हमें अपना नाम भिजवा दीजिए, भले CIM के थ्रू भिजा दें या आप फल साहब को दे दें या किसी और तरीके से। और अगर आप किसी ऐसे एसोसिएशन को जानते हैं जो एनिमल के हवाले से काम करती है, सफारी पार्क में हम काम कर सकते हैं, मतलब हर जगह गुंजाइश है। आप देखें फायर फाइटिंग है हमारे पास, अर्जेंट जो रिकवरी सर्विसेज हैं हमारे पास, मुख्तलिफ मुश्किल सर्विसेज हैं,
एजुकेशन सेक्टर हमारे पास बहुत बड़ा है, 3000 स्कूल है हमारे पास, हेल्थ इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा है हमारे पास, उसमें हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें जहाँ कहीं भी आप समझते हैं कि जो वॉलंटरी सर्विसेज की जरूरत है, आप किसी तरह भी टाइम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपनी कोई एफर्ट्स दे सकते हैं कि अगर आजकल लेंगे चल रहा इस हवाले से तो राइटर्स बना के लोगों में तकसीम करने हैं, या कोई आइडिया नहीं, आइडियाज के लिए कोई हद नहीं होती कि दुनिया इसीलिए आज इस मुकाम पर है और आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ को आप सोचते नहीं यहाँ पर ये चीज़ खत्म होगी उससे आगे नहीं है, फिर एक शक आता है कहता है कि इससे आगे ये हो सकता है, फिर आप सोचते नहीं हाँ ये हो सकता है और ये दूर दूर व्यक्ति के वैल्यू पर आप ऐसा करते हैं। तो आइडियाज के लिए उम्र की टाइम नहीं होती, बहुत सी चीज़ हम बहुत छोटे बच्चों से सीखे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम बहुत बुजुर्ग लोगों से सीखते हैं। तो आइडियाज अगर आपके पास होंगे कि हम सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए सिटी गवर्नमेंट की शहरियों के लिए ये चीज़ कर सकते हैं, तो उसमें आए और कंट्रीब्यूट करें, अपना कंट्रीब्यूशन डालना है प्रैक्टिकली आपको शहरियों के लिए, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में आप समझते हो कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, उसमें आ जाए। फोरम अवेलेबल है जिसमें इख्तियार भी है, अथॉरिटी भी है और सर्विस भी है, तो सिर्फ इख्तियार या अथॉरिटी नहीं बल्कि सर्विस के साथ ही मशहूर चीज़ है। सिटी गवर्नमेंट बिल्कुल आपके साथ है और वकार कालवे साहब को मैं बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि इन बच्चों के लिए जिस चीज़ की भी यहाँ पर ज़रूरत हो, जब भी इवेंट हो मुझे बता दें कि साल के लिए रिक्वायरमेंट होगी, मैं इंशाल्लाह ताला उसमें रकम आपके वाले कर दूँगा इस मद में और आप उसको कंटिन्यू करें और उसके बाद जरूरी है। क्योंकि स्कूल का मैनेजमेंट जो है सी आई एम राशि करते हैं, तो इस हवाले से अगर वहाँ पर कोई ज़रूरत है, किसी फाइनेंशियल इंजेक्शन की ज़रूरत है या अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स में किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको आगे लेकर आए, क्योंकि असल काम देखें दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत, सबसे अहम चीज़ ये एचआर होती है और इंसान से ज़्यादा कीमती चीज़ भी हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। आप ये देखें वो बनाते हैं रोबोट बनाते हैं, तो 32 करोड़ का 35 करोड़ का रोबोट है जो आके ऑपरेशन कर सकता है, इंसिजन कर सकता है, आप उसको लगाए ना, तो इंसान से बड़ा रोबोट कौन हो सकता है कि जो के अकल भी रखता है, दानिश भी रखता है और वो सेल्फ अपने आप को